हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस, कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज मैं एक गेमिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आज से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो अपना GTA 5 है वो 200 MB में चलता है, या फिर 200 MB में डाउनलोड हो सकता है, या फिर 2 GB के 2 GB RAM वाले कंप्यूटर में PC में चल सकता है कि नहीं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि गाइस जो अपना GTA 5 है वो 200 MB में डाउनलोड हो सकता है, या फिर 200 MB में डाउनलोड हो सकता है और 2 GB PC में चल सकता है कि नहीं। तो गाइस, आप सब सोच रहे होंगे कि ये गाइस आइडिया मुझे कहाँ से आया। तो गाइस, ये आइडिया मुझे आया, मुझे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि मुझे किसी फ्रेंड ने मुझसे यही पूछा था कि हम ना जो GTA 5 है 200 MB में या 200 2 GB वाले PC में डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। और गाइस, मैंने भी है ना अपने PC में सोचा चलो आज जो GTA 5 खेल लेते हैं, तो मैंने इसको डाउनलोड किया था, तो नहीं चल वो चला कि नहीं चला। तो आज इस वीडियो में हम सब यही डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आज मैं वीडियो में कोई इंट्रो नहीं लेने वाला हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रो नहीं लेने वाला, हम डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज इंट्रो नहीं है, तो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट हो जा चल रहा है, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, हम पहले बात करेंगे, पहले हम जो बात है कि 200 MB में डाउनलोड होता है कि नहीं होता है, और 2 GB RAM में नहीं चलता है। तो गाइस, ये सब गलत है, ये 200 MB में भी चलता है और 2 GB RAM वाले PC में भी चलता है। गाइस, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, बट गाइस दोनों चीज़ों में कंडीशंस अप्लाइड होती है। तो गाइस, पहले केस में हम बात करते हैं जो कि हम 200 MB में डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइस, 200 MB में मैंने अपना जो GTA 5 है डाउनलोड कर रखा है, किया है अपने PC में किया था। तो गाइस, पूरी बात बाद में बताऊँगा। गाइस, 200 MB में मैंने इसे डाउनलोड किया था। और गाइस, ये वीडियो जो गेम है बहुत ही, इसमें ग्राफिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आती गाइस, प्रॉब्लम किसी चीज़ में नहीं आती। अगर आप सिर्फ मैप, सिर्फ और सिर्फ GTA 5 का मैप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो गाइस बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए कि गाइस आप ये ना 200 MB में डाउनलोड कर दो। तो गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस गाइस इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी कि आपको गाइस इसमें जैसे कि आपको इसका जो GTA 5 है वो एक्सट्रेट करना पड़ेगा और गाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कैसे डाउनलोड करते हैं आप इससे अपने यूट्यूब में जाके, किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इसे कैसे 200 MB में कैसे डाउनलोड करते हैं। या फिर गाइस, अगर आप नहीं चाहते तो कमेंट करके बता दो, मैं वीडियो बना डालूंगा और आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे 200 MB में GTA 5 कैसे डाउनलोड करते हैं। तो गाइस, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि इसमें जो मिशंस हैं वो सारे नहीं आएंगे गाइस। हाँ गाइस, GTA 5 में जो अपने जितने भी मिशंस हैं वो सारे के सारे 200 MB में डाउनलोड नहीं होंगे। वो जो 200 MB में आप जो GTA 5 डाउनलोड करेंगे वो सिर्फ एक डेमो गेम होगा, जिसके अंदर पूरी सिटी का मैप होगा, पूरी सिटी होगी गाइस, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, पूरी सिटी होगी। आप पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं गाइस, पर सारे मिशंस नहीं कर सकते। और जो गेम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप उसको ऑनलाइन नहीं खेल सकते हो, और गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी जो इसके अंदर आप नहीं खेल सकते हो गाइस, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो गाइस, आप इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही ये हैंग होगा, ना ही कुछ इसमें प्रॉब्लम आएगी, ना ही ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आएगी। तो गैस, अब दूसरी केस की बात करते हैं कि हम इसे 2 GB के रैम में, जो 2 GB RAM रैम का PC होता है उसके अंदर हम डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। गैस, डाउनलोड हो जाएगा, मैंने इसे जो बोला था 200 MB वाला डाउनलोड किया था गैस, 2 GB में नहीं चला था वो, बट चल सकता है, इसकी भी वीडियोस यूट्यूब पे हैं। और गैस, मैंने इसको चला भी रखा, अपने PC पे चला रखा है उस तरीके से डाउनलोड करके GTA 5 को। गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं इसे बता दूं तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा गाइस। लेकिन सर, प्रॉब्लम इतनी सी आएगी कि इसके अंदर ग्राफिक्स बहुत ही बहुत गंदे आएंगे। तो
तो गाइस मैं सोचता हूँ कि गाइस अगर आपको GTA 5 खेलना ही है तो एक अच्छे से जैसे इसको मिली इसके लिए मिनिमम 8 GB का रैम चाहिए होता है। तो गाइस इसके इससे अच्छा आप 8 GB के पी रैम वाले PC को खरीद लीजिए, फिर एक्सटर्नल रैम या फिर एक्सटर्नल ग्राफिक्स लगाकर इसे खेल लेना गाइस। पर कोई मतलब नहीं है, मतलब इतना मज़ा नहीं आता है इसने, मतलब बहुत कम ग्राफिक्स होता है तो गाइस इतना मज़ा नहीं आएगा। इससे अच्छा आप ना ही खेलो उस गेम को, या फिर आप इसे एंड्रॉयड में डाउनलोड कर दो, एंड्रॉयड में डाउनलोड करके इसे खेल लो गाइस, तो इतना मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। तो गाइस मेरा अगर आप मेरी एडवाइस मानते हो तो 2 GB रैम के PC में इसे मत डाउनलोड करो, बहुत ही ज़्यादा हैंग होगा और बहुत मतलब बहुत ही घटिया ग्राफिक्स होंगे, तो गाइस बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए GTA 5 में, तो गाइस GTA 5 में कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसके अलग अलग टाइप के मोड होते हैं, आयरन मैन मोड, हल्क मोड, हल्क का मोड होगा, या फिर इसकी गर्लफ्रेंड का मोड होता है, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज थोर, या फिर सुपरमैन बैटमैन करके बहुत सारे इसके मोड हैं, स्लेंडर मैन का भी मोड है अलग से, बहुत सारे अलग अलग मोड हैं इसके अंदर, और बहुत सारे इसमें बहुत सारी एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं। तो कैसे आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके वीडियोस बनाऊं तो मैं इसके वीडियो भी बना दूंगा। और गाइस अगर आप चाहते हो कि आपको गेमिंग में कोई वीडियो चाहिए तो उसका टॉपिक भी मुझे बता देना, मैं उसको बना दूंगा। और गाइस एक चीज़ और है कि अगर आप GTA 5 को डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर एक बार आप मतलब 200 MB में इसके अगर मैं जो बात मैंने बोली है कि 200 MB में से डाउनलोड करते हो तो 2 GB में नहीं चलेगा, और अगर आप 2 GB रैम वाले PC में से चलाओगे तो 200 सिर्फ 200 MB में नहीं चलेगा, सिर्फ 200 MB या फिर 200 MB में डाउनलोड नहीं होगा ये। तो गैस दोनों केस अलग हैं और दोनों केस डिफरेंस डिफरेंट है, तो गैस ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंस है इसके अंदर कि आप इस दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हो। तो गाइस हमने इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता, इसके बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हो मुझे कमेंट कर देना, या फिर गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इसके अंदर हम पर्सनली बात करके आप जो मुझसे पूछना चाहे आप मुझसे पूछ सकते हो। और गाइस अगर आपको आयरन मैन या मतलब DC या फिर आप DC या फिर मार्वल के फ़ैन हो तो गाइस आप वहाँ DC या मार्वल के फ़ैन हो तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे एक पेज है मार्वल एंड DC 78, तो गाइस आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको नई नई थ्योरीज और नए नए पिक्स या फिर नए नए वीडियोस जो आपने शायद कभी नहीं देखे होंगे, या फिर बहुत सारी नई थ्योरी और बहुत सारे स्पॉयलर्स, अपने फिल्म्स के स्पॉयलर्स आपको जानने मिल सकते हैं, या फिर उसमें उसके अंदर फैक्ट्स भी इसके अंदर कई सारे फैक्ट्स भी आपको फैक्ट्स भी पता इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गाइस अगर आप चाहते हो कि आप फैन हो DC या मार्वल के, तो आप गाइस वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और गाइस अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, गुड लक एंड गुड बाय।